तो गाइस आज मैं निकला हूँ संडे को आउटिंग के लिए उल्मेरिया के लिए। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग धूलाघर के टोल प्लाजा में हैं और हम लोग वी आर हैविंग नारियल पानी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 58 गेट जहाँ डियर पार्क है, तो वहाँ चल रहे हैं। अभी भी यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। चलिए आगे रास्ते में मिलते रहेंगे आप लोग से। हम गाइस वी हैव ऑलरेडी रीच्ड उल्मेरिया, हम लोग उल्मेरिया पहुँच गए हैं और अभी हम लोग उल्मेरिया के गंगा घाट की साइड में हैं। और अभी हम लोग जाएंगे, सबसे पहले हम लोग दर्शन करेंगे उल्मेरिया के काली बारी की। तो अभी ये काली बारी का रास्ता जा रहे हैं हम लोग आगे में, और यहाँ कुछ मेला लगा हुआ है जो कि 1 महीना तक रहेगा, अभी आगे जाके पता चलेगा। हम लोग गाइस ऑलरेडी काली मंदिर आ गए हैं। ये है उल्मेरिया का काली मंदिर, देख पा रहे होंगे सामने में दुर्गा माँ रखी हुई है, माँ बहुत सारे भगवान जी हैं वहाँ पर, और ये पूरा मंदिर है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा मंदिर दिखाऊंगा। ऐसे देखिए चैतन्य गुरु श्री गौर, देखिए ये पूरा मंदिर है, ये पूरा काली मंदिर है जहाँ पर पूरा मेला लगा हुआ है, क्योंकि 1 महीना तक चलेगा ये मेला। आप लोग देख सकते हैं पूरा ये कितना सुंदर से कारीगरी की है, ये देखिए बहुत सुंदर बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया। ये उल्मेरिया के काली मंदिर के अंदर में ही हुआ है, आपको ये अंदर के साइड में ही मिलेगा। इस साइड में पूरा ये मंदिर बना है टोटल। देखिए यहाँ पर वध हो रहा है, यहाँ कृष्ण जी का जो था लीला वो दिखाया है, यहाँ पर शिव जी का दिखाया है, जगन्नाथ मंदिर भी यहाँ बैठे हैं, सारे भगवान जी हैं। माइथोलॉजी में भगवान में जितने भी रूप हैं सब चीज यहाँ पर आपको दिखाई दी गई है इसी। तो गाइज हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं श्री श्री आनंदमयी काली माता के मंदिर में, जो कि आपको मिलेगा उल्मेरिया में। उल्मेरिया स्टेशन से 4 किलोमीटर दूर है, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, गाड़ी से भी आ सकते हैं। मैं अपने गाड़ी से आया हूँ, तो मेरे को अपने घर से आने में लगा है 1.5 घंटे। अभी यहाँ से हम लोग और भी आगे जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको पूरा मंदिर घुमाऊंगा, क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत मंदिर है काली मंदिर। यहाँ पर बहुत कुछ देखने लायक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी आपको यहाँ से एक एक करके दिखाऊंगा। पहले चलते हम लोग, यहाँ देखिए पूरा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पूरा मंदिर है, ये मेन काली मंदिर, ये है पूरी काली मंदिर, बहुत ही सुंदर बनाया है। इट में आपको ऑरेंजिश डिजाइन बना हुआ है, और इसको दक्षिणेश्वर का थोड़ा सा रूप दिया हुआ है, तो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये हम पूरा मंदिर का घूमेंगे, पूरे मंदिर का राउंड मारे हैं, तो अभी आगे हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से और भी मंदिर है, अब हम लोग चलेंगे मेन मंदिर की तरफ। ये है मेन काली मंदिर, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। तो अब हम लोग आ गए हैं मेले में, जो कि उसी मैदान में लगा है, आप देख पा रहे हैं कितनी चहल पहल है, ये पूरा मेला लगा हुआ है। पूरी की दुकान भी है, गाय भी है यहाँ पर, ये देखिए झूला वूला सब लगा हुआ है, यहाँ सारे आउटलेट्स लगे हुए हैं, इधर में भी है। और मैं आपको अभी असली चीज दिखाता हूँ, चलिए ये देखिए कितना बड़ा पुचका का स्टॉल लगा हुआ है। और यहाँ से सब कोई गंगा घाट आ रहे हैं, तो हम आपको गंगा भी दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं गंगा किनारे में, जो कि काली मंदिर के बगल में ही आपको मिल जाएगा। चलिए तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली जगह पे। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर है मोहना, उल्मेरिया का मोहना है ये, जहाँ पर नदी का है और ये पिकनिक स्पॉट है। मैं आपको नदी दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे पिकनिक मनाने आए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और आगे। ये है नदी, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा शिप है यहाँ पर। गाइस जो डियर पार्क है उसमें काम चल रहा है, तो वो बंद है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं इंजॉय करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पूरा फैमिली मेंबर मस्ती कर रहे बाली में। हाँ मैं आपको शिप दिखाता हूँ। तो गाइज अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं वो है मछुआरे की जगह, जहाँ पर आपको ये जो बड़े बड़े जो शिप मिल रहे हैं, ये लोग जाते हैं सुबह मछली पकड़ने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिप है, ये सब हम लोग को देख के ऐसा लगता है ना कि वो जो पायरेट ऑफ कैरेबियन के जो शिप्स होते हैं, तो उस टाइप का है। ये देखिए कितनी सुंदर है,